धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम थ्री को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज उसी में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स ज़बरदस्त सीनेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज़ की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हिरोइन कटरीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चन्जिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद शाहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरवल के बाद हाफना ज्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हट कर ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियाँ उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह ही नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फिल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमजोर पड़ गए कैटरीना कैटरी कैप्टोड बाडी में बेहद खूबसूरत नजर आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जैकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उमदा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूम थ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज़ का तीसरा भाग धूम धूमथ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्दमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ़ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टुड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना काप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने ब्रेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम धूमथरी कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपये फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई मैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम धूमथी भारत में आई मैक्स फार्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुक खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली नी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ कर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे शाहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मकबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनोत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया नेटिना कैफ के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से शराबोर है विजय कृष्ठ आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है दूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जय की शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय कचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँहिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर ला करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम थ्री को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वसी में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सीनोमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटरीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हट कर ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियां उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फ़िल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरीनापटोड बाडी में बेहद खूबसूरत नज़र आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जय कि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उमदा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूम थ्री में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम थ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ़ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना काप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम थरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपए फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम थिरी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुख खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी कि तहसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी कि तैसी लिख अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ कर देता है कि वो एक केस संभाल रहा है। और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनोत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया आलियाना गैप के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से सराबोर है विजय कृष्ण अचार्य इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है दोम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जय के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर तब उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूमथरी के साथ निर्देशक विजय कढ़ आचार्य ने वापसी की है और इसके पहले बार टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम थ्री को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराफ़ शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वूल में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स ज़बरदस्त सीनेमाटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटीना कैद भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद शाहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरवल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हाट ड्रामे पर आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियाँ उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेन को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फिल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरीनापडोड बाडी में बेहद खूबसूरत नज़र आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जय शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूमथ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूमथ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्दमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया यानी कैटरीना कैफ की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नजर आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम धूमथरी कहानी है जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूमथरी कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपये फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम धूमथी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुख खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वाला तुम्हारी माँ की ऐसी कि तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वह बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अन उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ कर बात फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया आलियाना गायब के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर ख़ान के रंगों से शराबूर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है धूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जे के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर नी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन शाहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय आचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर ला करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम धूमथ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम धूमथरी को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वसूली में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सीनेमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चन्जिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हाट का ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियां उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है शहर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फ़िल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरी का इपटोड बाडी में बेहद खूबसूरत नज़र आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जयकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूम थ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम थ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टुड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना काप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने ब्रेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम थ्री की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपये फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई मैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम धूमथी भारत में आई मैक्स फार्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुक खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक आप शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वाले तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वह बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख कर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अनि उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बजकर ये बात फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरत्थन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलियाना गैप के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से शराबोर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है दूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जय के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय कचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँहिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर कर करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूमथरी को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वूल में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सीनोमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर ख़ान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिब जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटरीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हाट का ड्रामे आ जाता है और स्क्रे की कमजोरियां उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फिल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फ़िल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमजोर पड़ गए कैटरीना कैप्टोड बाडी में बेहद खूबसूरत नजर आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जैकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूमथ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज़ का तीसरा भाग धूम थ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ़ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टुकड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना कैप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपए फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम थिरी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुक खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वाले तुम्हारी माँ की ऐसी कि तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वह बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख कर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अनि उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनोत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया आलियाना कैब के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूम थ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से शराबूर है विजय कृष्ण की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है धोम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जय की शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर तब उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन शाहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूमथ्री के साथ निर्देशक विजय ने वापसी की है और इसके पहले बार टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम थ्री को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वूल में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सिनोमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिब जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद शहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरवल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हट का ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियाँ उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज के सारे भाग लिखे हैं टसन जैसी भुला देने लायक फिल्मों में निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का ज़िम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमजोर पड़ गए कैटरीना कैप्टोड बाडी में बेहद खूबसूरत नजर आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जैकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टेंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूमथरी पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज़ का तीसरा भाग धूम धूमथ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्दमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना कैफ की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपए फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम धूमथीरी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुख खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी कि तहसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी कि तैसी लिख अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली नी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ कर यह बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर ज़रूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनोत्थन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया आलियानीटिना कैफ के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पर दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूम थ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर ख़ान के रंगों से शराबोर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है धूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जे के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराफ की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय आचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम धूमथ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम धूमथरी को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वसूली में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सीनेमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चन्जिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हाट का ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियां उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है शहर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फिल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरी काडी में बेहद खूबसूरत नज़र आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जयकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूम थ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम थ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टुड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना काप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने ब्रेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम धूमथरी कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम टू 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी 150 करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी 542 करोड़ रुपए फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम थिरी भारत में आई मैक्स फार्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपये की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुख खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी तैसी लिखकर अपनी सरकस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरत्थन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया आलियाना गैप के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से शराबोर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है दूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जय के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय कचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँहिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर ला करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम धूमथ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम धूमथरी को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वूल में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सीनोमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर ख़ान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिब जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटरीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हट का ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियां उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फ़िल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरीनाप डोड बाडी में बेहद खूबसूरत नज़र आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जयकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उमदा है सुदीप चटर्जी की सिनेमेटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूमथ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूमथरी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टुकड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना काप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चय विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने जयपुर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूमथरी कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धुमधरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपये फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम थिरी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुक खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी कि तहसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी कि तैसी लिख अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अन्य अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अन्य उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ कर ये बात फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुक्बिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनोत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया नेटिना कैफ के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पर दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से सराबूर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है धोम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जय के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर तब उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन शाहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय कचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम धूमथ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम धूमथरी को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वसी में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सीनोमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिब जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चन्जिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद शहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरवल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हट कर ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियाँ उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेन को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज के सारे भाग लिखे हैं पैसन जैसी भुला देने लायक फिल्में निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का ज़िम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमजोर पड़ गए कैटरीना में बेहद खूबसूरत नजर आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जैकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टेंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूमथ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज़ का तीसरा भाग धूम धूमथ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना कैफ की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम धूमथरी कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपए फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम थे भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुक खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी कि तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वह बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक आप शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तहसील लिख कर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अन उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बजकर बात फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनोत्थन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया ने कैटरीना कैब के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पर दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूम थ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर ख़ान के रंगों से शराबूर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है धूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जे के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर नी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय कचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूमथ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूमथ्री को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वील में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सीनेमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटरीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चन्जिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हाट का ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियां उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है शहर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फिल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरी काडी में बेहद खूबसूरत नज़र आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जयकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धुम थ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम थ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना काप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने ब्रेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम थ्री की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम टू 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपए फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई मैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम थीरी भारत में आई मैक्स फार्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हारुक खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं एक बाल बैंक वो तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली नी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ कर बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरत्थन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया ने कैटरी कैफ के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमथरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला के फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से शराबोर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है दूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जय के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत तो वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूमथरी के साथ निर्देशक विजय कढ़ा आचार्य ने वापसी की है और इसके पहले बार टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर आंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम थ्री को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वीवली में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स ज़बरदस्त सीनेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान ज़बरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे शाहिर जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद शाहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरवल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हट कर ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियाँ उभरने लगती हैं राह पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फिल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए टोड बाडी में बेहद खूबसूरत नज़र आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जयकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सीनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूमथ्री पांच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशन और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम थ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्दमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ़ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना कैफ की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम धूमथरी कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने ब्रेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपये फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम थे भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुक खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वह बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक आप शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख कर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अनि उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ कर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया निकटना काइब के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से सराबूर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है दूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल है नीचे की शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर तब उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफ यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूमथ्री के साथ निर्देशक विजय कचार्य ने वापसी की है और इसके पहले बार टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम थ्री को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज उसी में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स ज़बरदस्त सीनेमाटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे शाहिर जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटरीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरवल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हाट ड्रामे पर आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियाँ उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेन को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फिल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरीनापटोड बाडी में बेहद खूबसूरत नजर आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जय शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूमथ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूमथ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्दमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ़ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया यानी कैटरीना कैफ की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नजर आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम धूमथरी कहानी है जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूमथरी कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपये फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम धूमथी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुख खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वह बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तहसील लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वह भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अनि उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ कर बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरत्थन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया गैफ के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वह समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूम थ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर ख़ान के रंगों से शराबोर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है धूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जय के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर नी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय कचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम धूमथ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम धूमथरी को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वसूली में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सीनेमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चन्जिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हाट का ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियां उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है शहर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फ़िल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरीनापटोड बाडी में बेहद खूबसूरत नज़र आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जय शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकेम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूम थ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम थ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना काब की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने ब्रेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम थ्री की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपये फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई मैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम थिरी भारत में आई मैक्स फार्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुक खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वाला तुम्हारी माँ की ऐसी कि तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अनि उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बात फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शोकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनोत्थन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया यानी कैटरीना कैब के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पर दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमथरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला के फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से शराबूर है विजय कृष्ण अचार की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है धूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जय के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर तब उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वह खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत तो वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय कचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँहिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर ला करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम धूमथरी को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वसी में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सीनोमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिब जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटरीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद शाहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरवल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हाट का ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियाँ उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह ही नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टसन जैसी भुला देने लायक फिल्म निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का ज़िम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमजोर पड़ गए कैटरीना कैप्टोड बाडी में बेहद खूबसूरत नजर आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जैकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमेटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टेंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूम थ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज़ का तीसरा भाग धूम थ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्दमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टुड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना कैप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपए फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम धूमथिरी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुक खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वह बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख कर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अन उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ कर देता है कि वो एक केस संभाल रहा है। और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनोत्थन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया यानी कैटरीना कैब के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पर दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से सराबूर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है धूमथ्री की कहानी में जादूगर इकबाल है नीचे के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर तब उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय आचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगीरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर कर लाखड़ा करती है धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूमथ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूमथरी को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वूल में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सिनोमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिब जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद शहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरवल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हट कर ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियाँ उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज के सारे भाग लिखे हैं पैसन जैसी भुला देने लायक फिल्मों वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का ज़िम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़